दोस्तों आज मैं सीमा पाउडर का गुलाब जामुन बनाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जब भी मैं गुलाब जामुन बनाता हूँ तो कभी गुलाब जामुन फट जाता है तो कभी अच्छे से फूलता ही नहीं तो कभी उसके बीच गुठली टाइप बन जाता है ना दोस्तों, तो मैं इसके बारे में ही चर्चा करूंगा। तो किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत है। मैं गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बना लेता हूं। दोस्तों मैं चाशनी बनाने के लिए 1 kg चीनी ले लिया है। चीनी को गलाने के लिए मैं 1 kg चीनी में 500 ग्राम पानी डालता हूं। जितना चीनी हो उससे आधा पानी डालेंगे तो चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको चीनी को गलने तक वेट करना होगा, तब तक चीनी गलता है। उससे पहले हम बता देते हैं कि सीमा पाउडर का जो पैकेट होता है ना वो 500 ग्राम का होता है और इसमें लगभग 40 से 50 पीस तो गुलाब जामुन बन ही जाते हैं जो कि मीडियम साइज का बनता है। अगर आप चाहे तो छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा पीस बनेगा। फाइनली दोस्तों मैंने चाशनी को अच्छे से गला लिया है, तो आपको इसी प्रकार से चाशनी को गला लेना है। आपको हम बता दें कि चाशनी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। यह है सीमा पाउडर का पैकेट, इससे हम गुलाब जामुन बनाएंगे बिल्कुल मस्त। दोस्तों सीमा पाउडर का जो पाउडर होता है ना वो बिल्कुल आटे जैसा होता है, तो इसको इस पाउडर को आटे जैसा ही घूनना होगा। तो मैं इस पाउडर को घूनने के लिए सबसे पहले दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध के इस्तेमाल करके आप इसको घून सकते हैं, चाहे तो आप इसके जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से घूनेंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसे दूध से घूनना शुरू कर दिया है और सबको बिल्कुल रोटी वाला आटा की तरह इसको कर देना है। इसमें जब आप दूध मिलाते हैं तो दूध को धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो, अगर गीला हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं दूध को थोड़ा थोड़ा कर इसको घून रहा हूँ। तो धीरे घूनने का मतलब नहीं समझते हैं, घूनने का मतलब इसको सानना है, मतलब मिलाना है, समझे ना। अब इसको धीरे धीरे करके मैंने इसको मिला दिया। फाइनली दोस्तों इसको मैंने तैयार कर दिया है, बिल्कुल आटे जैसा है, बिल्कुल मस्त है। आटे रोटी जो बनाते हैं ना आटा, वही आटा ही सानना है बस, और कुछ नहीं करना। तो फाइनली दोस्तों इसको रोटी वाले आटा की तरह मैंने तैयार कर लिया है और इसको अच्छे से मसलना है। 1 मिनट तक इसको मसलेंगे अच्छे से, जितने अच्छे से इसको मसलेंगे उतने अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को गुलाब जामुन का शेप बनाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है, तो शेप बनाने के लिए भी मैं बताऊँगा और इसको गोल कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक कटोरे में घी लिया हूँ। आप इसके जगह पर रिफाइंड ऑयल को ले सकते हैं और हाथ में लगा करके गुलाब जामुन का शेप बना सकते हैं। तो गुलाब जामुन का आप शेप बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी, लेकिन मैंने तो मीडियम रखा है। मीडियम में इसलिए रखा है कि ये पूरी अच्छी तरीके से खिलेगा तो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी। तो इसको गोल करने के लिए क्या करना है, हाथ से दबाना है और राउंड राउंड करके इसको घुमाते जाना है और ऊपर की ओर उठाते जाना है। बस इतना ही करना है, आपके गुलाब जामुन अच्छे तरीके से गोल हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये इस प्रकार से अच्छे से गोल हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट और मस्त गोल हुआ है। तो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ। हाथ से मैंने दबाया और इसको राउंड राउंड घुमाया और ऊपर की ओर उठाते गया तो ये अच्छे से गोल हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं सभी को इसी प्रकार से मैं करूँगा, तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करते जाना है, गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं सारे गुलाब जामुन को इसी प्रकार से राउंड राउंड करके मैं इसको गोल कर दिया हूँ, ये बिल्कुल मस्त और चिकना बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गुलाब जामुन को तलेंगे कैसे, तो वो भी मैं बताता हूँ। इसको तलने के लिए क्या करना है, एल्युमिनियम का कढ़ाई या फिर लोहे का कढ़ाई लेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल को डाल देंगे। तो मैंने एक एल्युमिनियम का कढ़ाई लिया, इसमें लगभग आधा केजी मैंने रिफाइंड ऑयल को डाल दिया। उसके बाद मैं एक गुलाब जामुन को मैं सबसे पहले डालकर देखा तो ये बबल जैसा हो रहा है, तो समझेंगे ये रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो सारे गुलाब जामुन को मैं इसमें डाल दिया क्योंकि ये ऑयल जो है गर्म हो गया था। फ्लेम को मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हीट करना है ऑयल को और ना ही ज़्यादा ठंडा में डालना है, मीडियम। जब हाथ से छुएंगे ऑयल को तो हाथ जो है थोड़ा थोड़ा जलना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो गुलाब जामुन
अच्छे से फूलेंगे नहीं। अगर ज़्यादा ठंडा में डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे, तो खाने में भी ख़राब हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मीडियम गर्म में डालेंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखेंगे कुछ ही समय के बाद ये गुलाब जामुन अच्छे से फूल जाते हैं और अपना कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो इसको ब्लैक करना है। अगर जो पूरा काला जामुन बनाना है तो ये उसको अच्छे से ब्लैक कर दीजिए, अगर गुलाब जामुन बनाना है तो इसको गुलाबी रहने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड ये किस प्रकार से मैं दोनों को दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल मस्त है। हाँ तो इसको लगभग इसको पकने में लगभग तो 5 से 6 मिनट तो लग ही जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता ये सीमा पाउडर का गुलाब जामुन, मात्र 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो फाइनली देखेंगे कुछ ही समय में ये अपना कलर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे। मैंने गुलाब जामुन को बनाने से पहले चाशनी को मैंने तैयार कर लिया, इसलिए कि वो गर्म रहे। चाशनी को ठंडा में करके ये गुलाब जामुन को नहीं डालें, नहीं तो ये खराब हो सकता है। चाशनी को गर्म रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनली दोस्तों ये गुलाब जामुन अच्छे से गुलाबी हो गया है। अगर आप काला करना चाहते हैं तो और इसको लाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको गुलाबी ही रहने दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, चाशनी जो मैंने बनाया था उसको मैं डालूँगा, इस गुलाब जामुन को चाशनी में मैं डालूँगा। आपको ध्यान देना है कि ये फ्लेम को अब लो कर देते हैं क्योंकि मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं इसको सबसे पहले झंझरे के माध्यम से या कोई भी सामान हो उसके सहारे इसको निकाल लेना है और चाशनी में बारी बारी करके डाल देना है। तो फाइनली दोस्तों मैं इसको डाल रहा हूँ। दोस्तों हम बता दें कि गुलाब जामुन को मैं 2 स्टेप में करके बनाया हूँ, इसलिए मैं दूसरे स्टेप को भी इसी प्रकार से करके उस चाशनी में मैं डाल दूंगा। तो उसको भी वैसा ही डालना है जो कि जैसे मैंने पहले घाने को डाला था, मतलब पहले स्टेप में जैसे मैं किया था वैसे ही मैं इसको किया हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं सारे गुलाब जामुन को चाशनी में अच्छे से डुबो दिया है। डुबाने के बाद इसको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रहने देना है। 2 से 3 घंटों के बाद देखेंगे तो ये गुलाब जामुन बिल्कुल मस्त और परफेक्ट और रसीलीदार बना है। देख रहे हैं कितना मस्त है, बिल्कुल अच्छे से गुलाब जामुन बन करके तैयार। अगर आपको कोई भी रेसिपी बनवाना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस यहीं तक।